स्टूडेंट्स लर्नर्स लेसन 128 आर यू स्मार्ट विद योर मनी, ये लेसन आपके लिए अवेलेबल है तो प्लीज लास्ट तक बनी रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ओके, क्योंकि इसी के थ्रू आपको पूरी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है ओके, कुछ डिजिटल लर्निंग भी होगी इसमें। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपकी वोकैबुलरी से रिलेटेड होगा इनकम, सेविंग, एक्सपेंस एंड बजट, ये आपकी वोकैबुलरी रहने वाली है। देन प्रेजेंटेशन भी इसमें आपके लिए जाएंगे ओके, सो अपने आपको प्रिपेयर कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट आपका है डिजिटल लर्निंग में, देखिए जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था और गूगल डोस था, वैसे ही यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड गूगल शीट पे आपको आधा एक्सप्लेन किया जाएगा ओके। देन उसमें सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंसेस क्या है, देखिए डिफरेंसेस सिर्फ नेम है, जो वर्क है एज अ सेम होता है, सिमिलैरिटी एज अ वर्क सेम होता है ओके। सो ये यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में आपसे देखिए प्रैक्टिस डिजाइनिंग योर ओन स्प्रेडशीट एंड रिव्यू योर नॉलेज ऑफ यूजिंग द क्लाउड एंड प्रैक्टिस शेयरिंग अ स्प्रेडशीट ऑन गूगल शीट ओके। देन नेक्स्ट इसमें सिमिलैरिटीज क्या है, सिमिलैरिटी देखिए सिमिलैरिटी जैसे जो वर्क है, देखिए एमएक्स एक्सेल एंड गूगल शीट सिर्फ नेम का फर्क है, डिफरेंस इज अ नेम और सिमिलैरिटीज एज अ वर्क इनका सेम ही है, वर्क इसमें सेम ही है, बस ये देखिए एक्सेल का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे खुलेगा बट जो जीमेल के थ्रू आपकी जीमेल आईडी पे जाके गूगल डोस गूगल शीट खुलता है। सो ये डिफरेंसेस है, वर्क सेम ही होता है, सो सिमिलैरिटी इज अ सेम ओके। जैसे हमने एमएस वर्ड एंड गूगल डोस को सीखा था सेम एज ओके। कुछ क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं, व्हाई इट इज यूजफुल टू हैव अ फाइल ऑन द क्लाउड, सो ये कुछ क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं ओके। देन नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा ओके, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट गूगल शीट दैट इज सिमिलर टू एमएक्स एक्सेल, डू यू नोटिस एनी थिंग डिफरेंट ओके। सो देखिए मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया जो इसमें क्वेश्चन किया गया है ओके, इसमें क्या आपने नोटिस करा, सिमिलर क्या है और डिफरेंस क्या है। तो सिमिलर देखिए वर्क जो है दोनों का सेम है, एज अ शीट है ओके, वर्कशीट सेम है, नेम का फर्क है, नेम का फर्क है ओनली, डिफरेंस इज नेम ओके। देन नेक्स्ट है ओके, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट यू विल क्रिएट अ शेयर गूगल शीट टू ट्रैक द अमाउंट ऑफ इंग्लिश प्रैक्टिस यू आर डूइंग आउटसाइड ऑफ द एफए क्लास ईच डे, रिमाइंड यू दैट दिस कैन इंक्लूड डुलिंगो इंग्लिश यूट्यूब वीडियोस मॉक टॉकिंग टू अ फ्रेंड और even practicing in front of a mirror okay there okay and your goal is to track how much total time you spend practicing english for the next week okay so aapko apni jo next week ki learning hai usko track karna hai, wo aap kiske through kar sakte ho, google ओके स्टूडेंट्स है ना, सो ये लर्निंग आपकी रहने वाली है। सो प्लीज़ अपने आप को अपनी लर्निंग को प्रैक्टिस करने के लिए रेडी रहिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है ओके। देन नेक्स्ट है ओके, गूगल शीट से रिलेटेड है ओके। यू कैन शेयर द शीट विद ईच अदर बाय क्लिकिंग द शेयर बटन इन द टॉप ऑफ राइट कॉर्नर, यू मे एंटर योर ईमेल एड्रेसेस टू इनवाइट एवरीवन इन योर टीम टू जॉइन द डॉक्यूमेंट और कॉपी द वेबसाइट एड्रेस एंड पेस्ट इन इट एंड ईमेल टू सेंड यू, यानी आप जो आपकी लर्निंग रहेगी जीमेल से रिलेटेड रहेगी उस पर आपको आधा अपना वर्क शेयर करना है।
ठीक है, इसकी लिंक को मैं शेयर कर दूंगी। वैसे तो मैंने रीड करके आपको बता दिया है, आप खुद से भी रीड कर लीजिएगा इसको। ओके, गूगल शीट्स की लर्निंग रहने वाली है, तो वही आप प्रैक्टिस करोगे एक दूसरे के साथ। एंड नेक्स्ट एज अ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, इसमें अब दिया गया है द फेदर मोटिवेट स्टूडेंट्स मेक इट अ कॉन्सेप्ट फॉर द ग्रुप दैट प्रैक्टिस इंग्लिश फॉर द मोस्ट टोटल टाइम एंड और फॉर द ग्रुप दैट डिजाइन द बेस्ट स्प्रेडशीट एंड एंटर देयर डाटा मोस्ट कंसिस्टेंटली रिमाइंड देम टू बी ऑनेस्ट अबाउट देयर प्रैक्टिस टाइम। ओके, सो इस पर आपको प्रैक्टिस करनी होगी अपने कॉन्सेप्ट के लिए। देन आपकी एक्टिविटी भी रहने वाली है, स्टूडेंट चूज द प्रीवियस डे टू लेट देन, ओके एक्टिविटी रहेगी। देन अब आ जाते हैं हमारा यू आर स्मार्ट विद योर मनी, मनी से रिलेटेड अब हमारा आ गया। देखिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स अलानस, अभी हमने गूगल शीट एंड MS Excel के बारे में डिस्कस किया। सो आई होप जो पॉइंट वाले मैं आपको बताया आपके लिए यूजफुल होंगे। चलिए अब मनी पे बात कर लेते हैं। ओके, इसमें भी ऑब्जेक्टिव्स आपके दिए गए हैं, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन वोकैबुलरी रिलेटेड टू बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट एंड स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्लाई बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स सच एज इनकम एंड डेब्ट टू अंडरस्टैंड हाउ टू सेव मनी। स्टूडेंट विल डिस्कस द यूजेस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ बैंक। ओके स्टूडेंट्स अलानस, सो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। देन कुछ क्वेश्चन आपसे आस्क किए जा सकते हैं, इफ आई गेव यू ईच 5,000 रुपीज फॉर कमिंग टू क्लास टुडे व्हाट वुड यू टू डू विद इट व्हाई। ओके, सो अगर आपको कुछ अमाउंट ऑफ द मनी दिया जाता है क्लास में तो आप उसके साथ क्या करोगे, ये आपसे क्वेश्चन रहेगा। सबको अपने अकॉर्डिंगली आपको बताना है आप उस मनी के साथ क्या करोगे। ओके, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है कि वो क्या करेगा, तो ये आपको खुद से आंसर करने होंगे स्टूडेंट अलानस। ओके देन नेक्स्ट आपका है, ओके आप कुछ देखिए बजट से रिलेटेड यहाँ पे आप मैंने जैसे कि आपको वोकैबुलरी बताई थी वो आपसे पूछी जा सकती है। ओके देन नेक्स्ट आपका देखिए डिस्कशन में कुछ क्वेश्चन आपसे दिए जाएंगे। देखिए Why is it important to save money? बहुत आंसर सबके पास होंगे, मनी सेव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। ओके, हमारे हर्डल्स टाइम में यानी डिफिकल्ट टाइम में एज अ मनी काम आती कुछ भी सिचुएशन हो। ओके देन सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वट आर सम प्रॉब्लम्स दैट यू कुड सेव सॉरी फेस इफ यू आर इन ओके सो ये कुछ क्वेश्चन हैं, टू क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ये आपको डिस्कस करने होंगे। एंड नेक्स्ट आपका है स्टूडेंट्स लर्नर्स। ओके सो यहाँ पे पार्टी में आपको डिस्कस करने के लिए देखिए कहा जाएगा, देखिए लुक एट कुमार करंट इनकम एंड डेबिट बिलो, सो डिस्कस यहाँ पे आपको डिस्कस करना है इस कुमार सेविंग मनी और लॉसिंग मनी, ये आपको डिस्कस करना है। ओके हाउ कुड ही सेव मनी, ओके हाउ कुड ही सेव मोर मनी, राइट एटलीस्ट 3 एक्शन ही कुड लाइक। वन सेकेंड, ओके देन यहाँ प्लीज़ डोंट राइट हियर, यूज योर नोट पैड, आपको अपने अकॉर्डिंगली अपने नोट पैड को यूज़ करना है। ओके आप इसके कुछ एक्शन लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। देखिए यहाँ पे कुमार्स इनकम मशीन वर्क 5,000 करंट इनकम 5,000, ओके डेबिट यानी यहाँ पे जो डेबिट मतलब सेविंग जो की गई है जितनी की गई है, देखिए फूड फॉर फैमिली, ओके ये जो टोटल अमाउंट है कितना यूज हुआ है, ओके मशीन वर्क करंट इनकम 5,000 है,
देन फूड फॉर फैमिली के लिए 50 यानी 1500 दिए गए हैं, क्लोथिंग के लिए 5, ट्यूशन फॉर डॉटर ओके, ऑल फोन डाटा 220, हॉलीडे सेलिब्रेशन 2000, एंड डॉक्टर एंड विजिटर के लिए। हॉस्टल से लेना जो देखिए, यहाँ पे सेविंग नहीं, यहाँ पे लॉसिंग हो रहा है, लॉस, दिस इज़ अ लॉस, क्योंकि 5000 है लेकिन जो एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे हैं उनके, ओके, वो कुछ ज़्यादा ही हैं, 600 ज़्यादा है, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है। सो आप क्या सजेशन दे सकते हैं? देखिए, या तो वो एक्स्ट्रा इनकम गेन कर सकते हैं, ओवर टाइम कर सकते हैं, या अपना जो वर्क है वो रिप्लेस करके एज अ हाई यानी अच्छी सैलरी पे वर्क कर सकते हैं, ओके, क्योंकि इनकम लो है, या फिर अपने एक्सपेंसेस को वो घटा सकते हैं फॉर हॉलीडे देन रिस्ट वॉच, ये एक्सपेंसेस घटा देंगे तो उनके पास कुछ अमाउंट ऐसा बचेगा, तो मनी वो सेव कर सकते हैं स्टूडेंट्स लर्नर्स, ओके। सो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कीजिएगा, मैंने अपने अकॉर्डिंगली बताया अमाउंट के अकॉर्डिंगली, ओके। सो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देखिए निकल के आया, यहाँ पे लॉस हो रहा है, मैंने टोटल किया तो यहाँ पे लॉस हो रहा है 5000 से ज़्यादा ही, 600 एक्स्ट्रा हो रहा है। दिस एक तो हॉलीडे एंड रिस्ट वॉच एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है। आप बाकी तो मैंने बता दी, बाकी आप फैसिलिटेटर से पूछ लीजिएगा, ओके। बेसिकली आपको अपने सजेशन इसमें देने हैं, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं और क्या है। ओके, क्विकली इसको फिनिश करते हैं, लेसन काफ़ी लंबा हो गया। देन कुछ और क्वेश्चन भी होंगे, देखिए, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेव मनी, ओके, ये हमने पहले डिस्कस किया था, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ओके। अगर वन पर्सन अगर अर्न करने वाला हो तो काफ़ी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, कोशिश कीजिए मोस्टली कि हर कोई इनकम गेन कर सके। ऑलराइट, देन नेक्स्ट आपका देखिए, आपको ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा, देन नेक्स्ट ओके, देन थिंकिंग कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे, हाउ डू यू गेट योर मनी, ओके, पर्सनल इनकम, पेरेंट्स इनकम, ओके, आपको जो मनी है कहाँ से आ रही है, पेरेंट के थ्रू या आपके थ्रू, ये पूछा जाएगा। व्हाट आर योर टॉप 3 बिगेस्ट एक्सपेंस ईच मंथ, ओके। सो इनकम के अकॉर्डिंगली चीज़ें चीज़ें आगा कीजिए, फर्स्ट अपनी नीड को कंप्लीट कीजिए, ओके, और कुछ मनी सेव कीजिए, देन अपने वॉन्ट्स पे जाइए, ओके। सो कभी भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, फर्स्ट नीड पे हमको, हमारी नीड्स क्या हैं ऑल ओवर हाउस उसको देखना है, देन सेव अ मनी, ओके, मनी कुछ सेव हो जाए, देन अपने वॉन्ट्स पे जाइए, ओके। ये बहुत बेस्ट है, ये चीज़ मैंने FA में ही सीखी है और मैंने एज आ चाइल्डहुड से पहले सीख रखी है, ओके। देन नेक्स्ट आपका है, ओके, कुड यू डू यू टू सेव मोर मनी, फॉर एग्जाम्पल बाई कटिंग डाउन एक्सपेंस, ओके, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एक्सपेंसेस को हमें कट डाउन करना होगा जो हमारे खर्चे हैं, ओके, अर्निंग मोर मनी और सेटिंग असाइड सम ऑफ योर मनी एज सेविंग, ओके। सो वही है जो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वही कुछ क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे, ओके। सो ये आपके लिए यूजफुल रहेंगे, एंड नेक्स्ट आपसे और क्वेश्चन होंगे जो ग्रुप में डिवाइड करके किया जाएगा। देन इफ़ यू हैव मनी सेव अप, वेयर कैन यू स्टोर इट टू कीप इट सेफ। एक सो फर्स्ट है, बैंक में हम सेव करते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट है, उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है, ओके। बैंक में सेव कीजिए, एंड यानी पोस्ट ऑफिस में भी सेव कर सकते हैं, किस में ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिल रहा है उसमें सेव कीजिए, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी रखा जाता है, 3 ईयर, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, उसमें कीजिए, ओके। आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स लर्नर्स। देन नेक्स्ट है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ हैविंग एन ATM कार्ड, ओके, आर देर एनी डाउन साइड्स, इफ यू वॉन्ट टू ओपन अ बैंक अकाउंट व्हाट कैन यू डू, ओके। बेसिकली देखिए, ATM कार्ड के देखिए फायदे हैं,
वो आपको जब क्रेडिट सॉरी एटीएम कार्ड ले रहे हो उसके काफ़ी फायदे हैं। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आप एटीएम कार्ड का यूज़ कर सकते हो। अगर इन केस ऑफ दैट आपके पास मनी नहीं है तो आप कहीं से भी मनी नहीं विड्रॉ कर सकते हो एटीएम से। ओके, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। ओके, ये काफ़ी यूज़फुल रहता है। देन बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए बेसिकली आपको बैंक में से फॉर्म लेना होता है, उसको फिलअप करके ज़्यादा सबमिट करना होता है, उसके जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाते हैं। बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं होता। ओके, देन आप लर्नर हो, आपके लिए बहुत इजी रहेगा। कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें पता नहीं होते हैं, तो देखिए उसको आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। स्मार्टफोन तो हमारे पास है ही, एंड्रॉयड फ़ोन, और कुछ भी कुछ दिक्कत आती है तो आप बैंक से पूछ सकते हो। क्योंकि मैं देखिए जब स्मार्टफोन नहीं थे मैं ऐसी वर्क करती थी। सबसे पहले तो हमें रीड करना आना चाहिए, तो फोकस इन रीडिंग पे ज़्यादा फोकस ध्यान दिया कीजिए स्पेलिंग पे। क्योंकि अगर हमें अच्छे से रीड करना आता है ना तो हम कोई भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और अगर कुछ भी थोड़े से भी मिस आउट हो जाता है तो आप इजीली पूछ सकते हो। पूछ में कोई वो नहीं होता, बैड मैनर्स नहीं होते, पूछ सकते हैं, पूछ पूछ के भी हम काम कर सकते हैं। ये तो मैंने अपने अकॉर्डिंगली आपको बताया है, बाकी आपको फैसिलिटेटर गाइड करेंगे। देन नेक्स्ट आपका है वोकैबुलरी से रिलेटेड आपका है। ओके, कुछ सेंटेंसेस आप प्ले रोल आपका आ जाता है। ओके, वोकैबुलरी प्रैक्टिस टाइम फॉर एवरी एवरी क्वेश्चन टेक रिस्पॉन्स फ्रॉम 3 to स्टूडेंट, आस्क स्टूडेंट टू रिप्लाई द फुल सेंटेंसेस। ओके ओके, व्हाट डू वी कॉल द मनी वी स्पेंड ऑन थिंग्स लाइक फूड रेंट एंड बिल्स। ओके, ये हमारे एक्सपेंस हो गए क्योंकि हमारे खर्चे हो गए। सॉरी स्टूडेंट्स, है इस पे जो ना आपको फैसिलिटेटर ही गाइड करेंगे। देखिए काफ़ी सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकती, क्वेश्चन बता देती हूँ। कैन यू लिस्ट 3 कॉमन मंथली एक्सपेंसेस, जो भी आपके एक्सपेंसेस है आप अपने अकॉर्डिंगली राइट डाउन कर लीजिएगा। देन हाउ इज सेविंग डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेंसेस। ओके, ये क्वेश्चन होगा फॉर प्लानिंग अ ट्रिप टू दिल्ली दिल्ली विद योर टू फ्रेंड, व्हाट वुड बी योर बजट। सो जो भी आपकी प्लानिंग हो, ट्रिप हो, अपने बजट के अकॉर्डिंगली कीजिएगा। ओके, आप अपने एक्सपेंसेस जो भी आपके खर्चे हों उसके अकॉर्डिंगली कीजिएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स लर्नर्स, जो ये लेसन में इतना ही, आई होप आपको जो मैंने हिंट दी है आपके लिए यूजफुल रहेंगे। अगर आपको यूजफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, और अपने आप बेस्ट दीजिएगा, अपनी लर्निंग को, अपनी रीडिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव कीजिएगा। और मैं कुछ इससे रिलेटेड पीडीएफ फाइल शेयर करूँगी तो चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर इन केस ऑफ दैट कभी मैं भूल जाती हूँ तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसको फिक्स कर दूँगी वो प्रॉब्लम को। ओके, सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।